नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 21 सितंबर 2023 की। कल 20 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, जहां पर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के हैं, जिनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के हैं उनको ये पत्र लिखा गया, जिसमें कक्षा 9 से 10 एवं 11 से 12 पदों को विषयवार आरक्षण रोस्टर समाशोधन कराकर अधियाचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने के संदर्भ में ये पत्र लिखा गया, जिसमें टोटल जो पदों की संख्या की बात की गई है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कल, जिसमें 9 से 10 के अध्यापन के लिए 18,880 विद्यालय अध्यापक, 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए 18,830 विद्यालय अध्यापक और 9 से 10 के लिए जो अध्यापन है उसके लिए 270 विशेष विद्यालय अध्यापक का पद स्वीकृत जो है वो किया गया है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में तो उसी को संलग्न करने को लेकर के जो है वो बात किया गया है। आगे इसमें बताया गया है इसको लेकर के क्या नियमावली या सेवा शर्तें जो है आपकी होंगी, और विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी और राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो लागू आरक्षण है उसका प्रावधान प्रभावी होगा, और आरक्षण वगैरह को लेकर के भी यहाँ पर बात किया गया है। सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा है कि निर्देश किया दिया जाता है कि जिला को आवंटित किए जा रहे पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस के साथ विषयवार और आरक्षण कोटिवार अधियाचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। अब यहाँ पर बात की गई है विषय अलग अलग, साथ ही साथ अलग अलग जिले और जहाँ पर वर्ग भी अलग अलग, जिसमें टोटल वैकेंसी को लेकर के बात जो है वो की गई है। जिसमें आप देखेंगे तो पटना में जैसे सामाजिक विज्ञान की 83 वैकेंसी, गणित की 150, विज्ञान की 212, हिंदी की 149, ऐसे करके सभी सब्जेक्ट की दी गई है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो टोटल दिया गया है और ये कक्षा 9 से 10 के लिए है माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए। तो यहाँ पर पटना में देखेंगे 1148 वैकेंसी है। इसी प्रकार आपका अलग 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 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, जहाँ पर ज्यादा ज्यादा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ज्यादा वैकेंसी है, चूंकि पश्चिमी चंपारण में आपकी वैकेंसी देखेंगे तो 1447 है, और उससे भी ज्यादा वैकेंसी आपकी यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो कि अच्छा यहाँ पर पूर्वी चंपारण में 425 ही है, पश्चिमी चंपारण में आपका 1447 है, उसके नीचे आपका 1658 जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये सारण में है, यहाँ पर आपकी वैकेंसी ज्यादा है। इसके अलावा 1350 वाली वैकेंसी दरभंगा में है, 1593 जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर मधुबनी में आपको देखने को मिल रही है, और इसी प्रकार अलग अलग आपको जिले के अकॉर्डिंग वैकेंसी देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर वही योग टोटल दे रखा है 18,880 का, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 1002 वैकेंसी आपको कटिहार में देखने को भी मिलेगी। तो ये आपका पूरा विवरण है। तो ये जिस प्रकार 9 से 10 है ऐसे 11 से 12 के लिए अलग है, 11 से 12 में भी सेम आपका अलग अलग जिलों के अकॉर्डिंग दे रखा है, परंतु यहाँ पर टोटल आपका साइड में टोटल नहीं दिया गया है। यहाँ भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, इस तरीके से सभी विषयवार दिया गया है, और इस प्रकार से नीचे आप जाएंगे तो सभी जिलों को लेकर के बात की गई है। और टोटल यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उसमें सामने लिखा हुआ था यहाँ पर इस क्रम में लिखा हुआ है। जैसे अगर किसी विषय को लेकर के बात करें, मनोविज्ञान को लेकर के बात करें, तो मनोविज्ञान के 1114 पद हैं। इसी प्रकार यहाँ पर टोटल पदों की संख्या जो है वो दी गई है, और साथ में ये जो पद थे वो 11 से 12 उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के हैं, और आगे भी देखेंगे 11 से 12 उच्च यहाँ पर अन्य जिलों को लेकर के, वैसे यहाँ पर दे रखा है देखेंगे सामने, ये दर्शन शास्त्र, संगीत, कंप्यूटर विज्ञान, बांग्ला, अरबी, भोजपुरी, मैथिली, ऐसे करके आपको स्लाइड सामने आपको टोटल दे रखा है 1124। इसमें ऐसा होगा कि पटना में ही आपके जो विषय हैं यहाँ पर भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, इन सब का टोटल जो है, और साथ ही साथ आपका इन सब का जो टोटल है वो मिला करके यहाँ पर 1124 दिया गया होगा, क्योंकि एक लाइन में पूरा आ नहीं पा रहा होगा इसलिए यहाँ पर दिया गया टोटल, क्योंकि 1124 केवल 70, 21, 40, 13 को 15 को जोड़कर तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। ऊपर वाले आपके जो पद थे वो भी आप जब जोड़ेंगे तब जाकर के वो वैल्यू जो है वो आएगी। तो यही होगा, आधे विषय यहाँ लिखे हुए हैं और 11 से 12 के ही आधे विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनका टोटल यहाँ दिया गया है। अब टोटल भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर और नालंदा में 680 है, ज्यादा कहाँ कहाँ है आपके 2134 यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और ये पश्चिमी चंपारण में यहाँ पर भी देखिए सबसे ज्यादा है 1227 आप देखेंगे तो ये सारण में आपके हैं, और 1348 वाले देखिए कहाँ पर है, मधुबनी में है, 739 आप देखेंगे तो आपको
पूर्णिया में देखने को जो है वो मिलेंगे, 739 आपका मधेपुरा में, पूर्णिया में नीचे वाले हैं, देखिए लाइन मैंने खींच दी है, पूर्णिया में 178 है, परंतु जो आपका मधेपुरा है वहां पर 739 है, इस बात को समझिएगा। एक लाइन भी खींच देते हैं ताकि आपको इस तरीके से, और आगे देखते हैं तो आपका बाकी लगभग नॉर्मल ऐसे 300-400 रेंज में, 672 भी यहाँ पर ज्यादा है, कुल मिलाकर के 18,830 जो है वो पद है। इसी प्रकार अगला जो वर्ग है 9 से 10 वाला, यहाँ पर विशेष माध्यमिक विद्यालय अध्यापक हैं, जिसमें भी आपका अलग अलग जो आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या दी गई है। तो इसी प्रकार ये टोटल आपका इतना ही इसमें निकला हुआ है, जिसमें आपका 9 से 10 और ये सारी चीजें हैं। बाकी आप चाहें तो ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, वहां पर आप जिले अनुसार जो भी आपको अपने जिले में आवेदन करना है वहां पर जो है वो देख लीजिएगा। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।